शांति। आज की तारीख है 9/12/15 और आज ज्ञान मुरली के शीर्षक के द्वारा हम बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे शिव बाबा ने ये समझाने की कोशिश की है और हम बच्चों को ये समझाते हैं जो कि कई आत्माओं का प्रश्न होता है कि क्या हम परमपिता परमात्मा को देख सकते हैं। तो आइए मीठे मीठे बाप दादा हमें इस विषय में क्या बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप के द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो और ये दिव्य दृष्टि का नेत्र जो है उसे कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो सिर्फ त्रिनेत्री शिव पिता परमात्मा के द्वारा ही हम बच्चों को प्राप्त होता है। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? तो उत्तर है कि जो ड्रामा के राज को समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया फिर से वो एक्यूरेट रिपीट होगा, वो कभी किसी को भी भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा तो समझेंगे कि हम आत्मा हैं और हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें, नंबर एक है आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। नंबर दो है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है और बेहद का सन्यासी बनना है। वरदान है किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा कहते हैं कि विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य भी नहीं आता। वे कभी भी किसी कार्य से, समस्या से या व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। स्लोगन है एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।